हम इस समय नए साल की अगवानी के लिए खड़े हैं। 24 घंटे बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी सारी दुनिया में। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात न की जाए तो अधूरी रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हर तरफ हर दिन 24 घंटे लोगों की सेवा में कार्य तो किए हैं, और इस सेवा के लिए 112 नंबर ज़रूर कहा जाएगा। 112 नंबर हर आदमी, हर महिला को ध्यान रखना चाहिए, हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 112 नंबर की पुलिस की वो सुविधा नंबर है जिस पे फ़ोन करते ही पुलिस आपको सुरक्षा देती है, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने बीपी जोगदान साहब ने नए साल के आखिरी दिन दो इस तरह के कैंप शुरू किए हैं कानपुर में, एक जेड स्क्वायर के पास, एक मोती झील के पास, जिसमें 112 नंबर के कैंप लगाकर महिलाओं लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे कैंप लगाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसके पीछे 112 नंबर की 100 नंबर की गाड़ी, एक बुलेट खड़ी है जिसमें दो सिपाही पहुँचते हैं। मतलब एक तरीके से मकसद है लोगों तक पहुँचाने के लिए कि किस तरह से पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के जवान आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। एक 112 नंबर की गाड़ी भी खड़ी है, ये देखिए गाड़ी है, इसको फूलों से सजाया गया है। शायद मकसद यही है कि लोगों तक संदेश पहुंचे, उनको एहसास हो कि उनकी पुलिस 112 नंबर से कॉल करते ही उनके लिए 24 घंटे बरसात, गर्मी, सर्दी किसी भी समय पहुंच जाती है। हालांकि ये बात भी है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि 112 नंबर की गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती हैं, धक्का लगाती हैं, दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में 112 नंबर की गाड़ी खड़ी है, इनसे पूछ भी लेते हैं कि भाई 112 नंबर की चालक है, इनसे पूछ लेते हैं कि जब कभी कभी इस तरह की नौबत आती है तो क्या करते हैं। कब आप लोग, ये कैंप लगाया गया है, क्या मकसद है? और कभी कभी 112 नंबर गाड़ी पे हैं आप, हैं आपने देखते होंगे कभी कभी 112 नंबर की गाड़ियाँ स्टार्ट ही नहीं होती, इससे बड़ा एक असहज स्थिति बन जाती है पुलिस की। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र कुमार। मैं पहले तो आपको ये बताऊँ, ये जो हमारे कमिश्नर साहब महोदय ने जो ये दो कैंप लगवाए हैं, जैसे कानपुर नगर में दो लगे हुए हैं, एक लगा है जेड स्क्वायर में, एक मोती झील के पास, इसका मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो आम जनमानस व्यक्ति पब्लिक है उनसे हम लोग संवाद करके उनको ये एहसास कराएं कि हम भी आप लोगों के बीच के हैं, आप लोग सुरक्षित हैं, आपको कभी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी है तो आप हम लोग को कॉल कर सकते हैं। मतलब कभी कभी 112 नंबर गाड़ियां, जैसे अभी आया है दो दिन पहले कानपुर में चकेरी क्षेत्र में 112 नंबर की रात में लोग धक्का लगा रहे हैं, तो इससे जब स्थिति आती तो आप लोग क्या करते हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए सर, जैसे कि व्यक्ति हैं, कभी कभी व्यक्तियों की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, और जैसे आप देख भी रहे हैं कि जाड़े का मौसम भी है, तो जाड़े के मौसम में भी होता क्या है, बाइक है वो भी है, और कभी कदार हो भी जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग का पूरा प्रयास रहता है, अपना 100% एक पूरा जो शक्ति के साथ, क्षमता के साथ देना चाहे वो देने की पूरी कोशिश करते हैं, और उम्मीद भी यही रखते हैं कि हम सबके लोग बीच में खड़े उतरें। ये हैं पुलिसकर्मी जिनका अपना कहना है, और बिल्कुल सही बात कहना है। एक समय और दिखा दें आपको, पीछे देखिए मोती झील है। पुलिस कमिश्नर ने इस कैंप को लगाने का एक मकसद है, मोती झील में लड़कियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, नए साल के उपलक्ष्य में आएंगी, यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होगी। माना जाता है कि मोती झील में नए साल के उपलक्ष्य में कभी 50,000 के लोग, लड़के लड़कियाँ, महिलाएँ, बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। ऐसे समय में जब ये मोती झील के पास आकर के रंग बिरंगा सजा हुआ 112 का स्टॉल देखेंगे, कैंप देखेंगे, ऐसा शायद बहुत ही कम देखने को मिला है कि 112 की इस तरह उद्घाटन, तो 112 गाड़ियों होता तब भले पुलिस कमिश्नर आते हो, पेश करते हो, लेकिन इस तरह का सजावट बहुत कम देखने मिलेंगे। एक महिला सिपाही भी हैं, क्योंकि 112 नंबर की बात की जाए और महिलाओं की बात न की जाए, क्योंकि 112 नंबर का मेन मकसद सबसे ज़्यादा होता है महिलाओं को, उससे फ़ायदा मिलता है। कहा जाता है कि 112 का नंबर कहते हैं महिलाएँ, आजकल यूपी में कई बार कहने भी लगी हैं कि 112 नंबर मिलाएं क्या, शोधों को धमकी भी देती हैं इस बात की अगर कोई छेड़खानी करता है। तो एक महिला सिपाही भी इनसे पूछते हैं इनका मकसद क्या है, वास्तव में क्या इस 112 कैंप लगाने से लोगों तक जागरूकता पहुंचेगी? क्या नाम है आपका? आपको लगता है कि 112 नंबर का कैंप लगा के लोग जागरूक होंगे? बिल्कुल, मेरा नाम संगीता है और मैं यहाँ पे महिलाओं को जागरूक करने के लिए यहाँ पे कैंप लगाया गया है। यहाँ पे दो जगह लगाया गया है, एक बड़े चौराहे पे और एक यहाँ पे मोती झील पे। तो यहाँ पे मतलब उन्हें ये बताना है, हमारा मकसद ये है कि मतलब उन्हें कैसी भी समस्या हो रही है किसी भी तरीके की, लड़कियों को, स्टूडेंट्स मतलब ऑल, तो उन्हें मतलब जागरूक करने के लिए कि वो कभी भी अपनी समस्या के समाधान के लिए 112 नंबर या 1090 मिला के बता सकती हैं, अपनी सोल्यूशन बता सकती हैं। हम मतलब सोल्यूशन उन्हें बताएंगे, प्रॉब्लम बता सकती हैं वो अपनी हमें। तो ये है महिला पुलिसकर्मी। कहते हैं, एक कहावत है, योजना कोई भी हो, कोई भी उपाय हो, अगर उसको सकारात्मक ढंग से लिया जाए तो उसका असर जरूर देखने को मिलता है।
पुलिस ने कैंप लगाया है 112 नंबर, वैसे सबको पता है। क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी सोनकर। वैष्णवी, 112 नंबर जानती हो, क्या होता है ये कैंप लगाया पुलिस ने, कैसा लग रहा? हाँ, अच्छा लग रहा है। और जानते भी है क्या होता है? क्या होता है? पुलिस नंबर होता है, जिससे मतलब कहीं पर अगर हम डेंजर में फंस गए हैं तो इस नंबर से हम हेल्प के लिए भी मांग सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक टाइप का इमरजेंसी नंबर है जी। लेकिन इस कैंप का मकसद है कि हम अपनी बात पुलिस अपनी उपयोगिता महिलाओं लोगों तक पहुंचा सके, और मकसद है लोग इस 112 नंबर की उपयोगिता को समझ करके सहजता से, जो एक किंवदंती है कि पुलिस से लोग दूर भागते हैं, उस पुलिस उनकी सुनती नहीं है, इस बात को लोगों से के दिल से दूर करके पुलिस उनके लिए है, हर समय तत्पर है, बस उसका उपयोग करने का नज़रिया होना चाहिए आपको। 112 नंबर मिलाइए, 112 फ़ोन पे डायल करिए, पुलिस आपके साथ होगी। ये समझिए, इस कैंप को देखकर समझिए, और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस का, आपकी पुलिस को अपने लिए यूज़ करिए। रंजय सिंह, कानपुर तक।